स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसटीटी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे 360 कैमरा के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसका एकदम बेसिक समझते हैं। तो 360 का मतलब क्या होता है? पूरा मतलब, जैसे 180 का मतलब हो गया मेरे सामने, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मैं 180 डिग्री देख सकता हूँ, यानी कि मैं पूरा ऐसे यहाँ तक जो सामने देख सकता हूँ, थोड़ा सा पीछे, मतलब इंसान थोड़ा सा पृथ्वी विजन पीछे जाता है। वहीं घोड़े का अगर आप देखिएगा तो आप अपना हाथ जितना पीछे कर सकते हैं घोड़ा ऑलमोस्ट मतलब 360 देख पाता है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है ये भी है। तो रिकॉर्ड करना, कि ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू को रिकॉर्ड करने को हम लोग 360 डिग्री वीडियो कहते हैं। मतलब आप समझिए कैमरा है बस ऐसे वो घूम रहा है पूरा, तो इसी का समझिए 360 डिग्री पूरा कैप्चर कर रहा है। और इसमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता जनरली। मतलब आप पैनोरामा बनाते हैं तो जो लोग को मतलब पैनोरामा बनाने में दिक्कत होगा, कैमरा ली फोटो स्टार्ट करके कैमरा हिलने लगा, मतलब स्टिचिंग खराब हो गया, नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको 360 डिग्री कर सकते हैं या तो 180 कर सकते हैं। तो 180 भी इस्तेमाल किया जाता है कई कई जगह पर, जहाँ पे आपका मतलब अगल बगल कुछ नहीं हो रहा, सामने सब चीज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सेट बनाया है, सेट में काम हो रहा है, सेट में एक्शंस हो रहे हैं, तो आप सेट पर दिखाना ना, जो सेट के पीछे कौन लाइटिंग आदमी है, कौन साउंड डायरेक्टर है, वो सब दिखा के करेंगे क्या? तो वहां पे कई जगह पे लोग 180 भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए 360 ही चाहिए, काफी जगह में 180 ही फायदेमंद साबित होता है। और ये सीमलेस होता है, फर्क नहीं पड़ता आप एक कैमरा इस्तेमाल करें, दो कैमरा इस्तेमाल करें या 50 कैमरा इस्तेमाल करें। ये सारे कैमरा से जो व्यू स्विचिंग हो रहा है ये एक फाइल पे आता है और एक एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम दिखता है। मतलब आपको ऐसे दाएं अरे यहाँ एक कैमरा चेंज हुआ, अरे यहाँ एक कैमरा चेंज हुआ, यहाँ नहीं दिखना चाहिए, नहीं या अगर वो दिखता है, कभी कभी दिखता है। और बेस्ट केस में भी तो आपको खास करके जहाँ पे डुअल सिस्टम रहता है आपको थोड़ा सा पता चल जाएगी, नहीं ये पहला कैमरा का है या दूसरा कैमरा का है। तो वो जनरली नहीं होना चाहिए, एकदम सीमलेस है। मतलब आपको पता ना चले कि कहाँ पे लेंस चेंज किया गया, लेंस नंबर 1 से लेंस नंबर 2 में गए, लेंस नंबर 2 से लेंस नंबर 3 में गए, आपको पता नहीं चलना चाहिए। जो आप लोग पैनोरामा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मोबाइल में आता था, इतना खराब होता था, खींच रहे खींच रहे खींच रहे धड़ा से आपको दिख जाता था कि ये नहीं काम कर पा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो मैंने आपको बताया ये कैप्चर करना है, ठीक है? आपने पूरा कैप्चर किया और इसमें कोई सीन नहीं दिखना चाहिए और ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है वो तो आपने कर लिया। लेकिन बात यह है कि इसका कोई मतलब नहीं है जब तक यूज़र, यानी कि आप और मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर पाए। तो यूज़र के पास भी कुछ होना चाहिए जिससे वो इस्तेमाल करे। जैसे सबसे आसान होता है VR हेडसेट, चाहे वो आपका वाइव हो, मतलब HTC का हो या इधर उधर का हो, या आप गूगल कार्डबोर्ड जो इस्तेमाल करना करें, आप YouTube में भी कर सकते हैं, आप तो माउस का इस्तेमाल करके आप घुमा सकते हैं प्रोस्पेक्टिव को। तो ये सब किया जाए, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूजर को कुछ नहीं देते तो इसका कोई मतलब नहीं है। तब ये बस आपको लगेगा कि अल्ट्रा वाइड है या नौटंकी वाला कुछ है, जब तक यूजर के पास कंट्रोल नहीं रहे। ताकि यूजर मतलब जैसे जैसे कैमरा यहाँ पे था, मेरे सिर के जहाँ पे कैमरा था, तो एज ए यूजर मैं ऐसे देख सकूँ कि हाँ अच्छा वहाँ ये हो रहा था, वहाँ ये हो रहा था। ये करना जरूरी है, मतलब यूजर के पास यानी आप और हमारे पास कंट्रोल आना चाहिए उस वीडियो का। तो सवाल बनता है कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे आप समझिए मिनिमम आपको दो कैमरा चाहिए, क्योंकि लेंस जो है जो सबसे वाइड भी हम लोग बना पाते हैं वो 180 डिग्री तक ही बनता है, और 180 से ज़्यादा वाइड नहीं इसलिए बनाते क्योंकि वो सिर्फ लेंस का फ्रेम ही देखने लग जाएगा। मतलब फिजिक्स रोकता नहीं, आप बना सकते हैं ऐसा, लेकिन आप देखेंगे मतलब वाइड एंगल में भी, फिश आई में भी आपको कई बार लेंस का बैरल दिखने लगेगा। तो इसीलिए जनरली 180 डिग्री ही बनाया जाता है। तो ठीक है, 180 डिग्री कितना हुआ, यानी आधा, यानी मेरे कान से अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो ये बन रहा है, ये पूरा 180 होगा। तो दो कैमरा लगेगा, मतलब एक पीछे एक आगे, आपको पूरा 360 किया जाता है। ये बेयर मिनिमम है, मतलब इससे ज्यादा मतलब इससे नीचे आप उतर ही नहीं सकते। तो आपको मतलब एक कैमरा से जो 360 कहते हैं वो ठीक से नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा मतलब ऊपर नीचे का पर्सपेक्टिव छोड़ देगा। तो इसीलिए दो या उससे जितना ऊपर जाना चाहिए। जैसे पिक्चर के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं पे 360 डिग्री वीडियो, तो उसमें अपना समझ के कैमरा लगाया जाएगा। उसमें मतलब इस तरह के बड़े बड़े रिग इस्तेमाल होंगे, जहाँ 16 17 या 50 60 कैमरा भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप वो समझिए कि आपने पहले फुटेज कलेक्ट किया, अब इसको वीडियो स्टिचिंग की जाती है आजकल के टाइम में, क्योंकि समझिए 360 कैमरा मतलब पिछले 3-4 साल से मार्केट में है। तो धीरे धीरे अब एप्स इतने डेवलपमेंट हो गया है, अब इतना कम मोबाइल में प्रोसेसर इतने पावरफुल हो गए कि ये वीडियो स्टिचिंग ऑटोमेटिक होता है और लगभग आपको कोई सीन नहीं दिखेगा। मतलब अगर आपको वीडियो एडिटिंग का काम ही करना था तो आप पकड़ लीजिए कहाँ पर स्टिच किया है, लेकिन जनरली आम आदमी को आम नज़रिए से नहीं दिखेगा कि हाँ यहाँ पर लेंस स्विच हो रहा है।
तो ये वीडियो स्टिचिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी अगर आप कोई नॉर्मल गोप्रो का खरीदते हैं तो नया वाला, पुराना नहीं, पुराने वाले में मैनुअली स्टिचिंग करना था, नए वाले जो है मैक्स में, उसमें आप आराम से 360 डिग्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐप में आप चेंज कर सकते हैं परस्पेक्टिव। तो वीडियो स्टिचिंग होता है, पहले आपने रिकॉर्डिंग किया, फिर आपने वीडियो स्टिचिंग किया, और इसके बाद एक फाइल अलग तरीके से बनाया जाता है। इसके यहाँ पर जो मैं फाइल बता रहा हूँ, ये फाइल का ऐसा ये मतलब नहीं है कि ये मतलब MP4 नहीं होगा या AVI नहीं होगा, ये नॉर्मल फाइल फॉर्मेट ही रहेगा। बस उसमें डेटा एक अलग से स्ट्रीम इंपोर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि भैया ये इस पिक्चर जो दे रहे हो इसमें स्टीरियो साउंड है या 5.1 है, तो 5.1 एक एक्स्ट्रा डेटा लेयर डाला जाता है ना, वैसे ही ये बनाने के लिए कि 360 डिग्री है उसके लिए अलग से डेटा लेयर डाला जाएगा। हर सॉफ्टवेयर अलग तरीके से करता है, हर वीडियो फॉर्मेट जैसे कि MP4 AVI ये सब अलग तरीके से हैंडल करते हैं, और आपको प्लेयर भी है जो अलग से हैंडल करता है। VLC जनरली आपको 360 डिग्री वीडियो आराम से प्ले कर सकते हैं, आपको माउस का इस्तेमाल करके चेंज करना पड़ेगा। और फिर यूजर इनपुट यानी कि व्यूअर जो देख रहा है उसको इस्तेमाल कर, जैसे मान लिया आपने YouTube 3 आपने कैप्चर कर लिया, आपने स्टिचिंग कर ली, आपने फाइल बना लिया, आपने YouTube 360 में अपलोड भी कर लिया, अब बात है यूजर कैसे देखेगा। तो मैंने आपको बताया यूजर को कुछ ना कुछ चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, मतलब सस्ते में आपके पास ये गूगल कार्डबोर्ड जो बीच में हाइप चला था वो इस्तेमाल करके आप आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं अभी आप लगा के आराम से देखें, तो वो मोबाइल में जो जायरोस्कोप है या एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल करके वो फिगर आउट करेगा कि आप देखें आ रहे हो, ठीक है फुटेज वहाँ से स्टार्ट किया, अब आप सिर मोड़ोगे फुटेज को वो उतना डिग्री लेफ्ट घुमा देगा, फुटेज का राइट मारेगा, मतलब आपको टेंशन नहीं है, आप बस ऐसे ऐसे करके देख सकते हो। और आप पीछे भी घूमोगे तो पीछे भी दिखेगा अगर वो फुल 360 है। बहुत जगह पे 180 रखा जाता, नहीं तो मतलब कैसे, मतलब 180 आप ठीक है मेरे सामने कुछ हो रहा है, 360 का मतलब मेरे पीछे भी तो कुछ हो सकता है, तो इसलिए जनरली लोग 180 पे ही रहते हैं। 360 भी किया जा सकता है, फिर आपको जैसे कि कोई वाटर पार्क हुआ या ये सब हुआ जहाँ दिखाया जा रहा है कोई भव्य जगह है, तो वहाँ पर लोगों को कहा जाएगा कि आप पूरा घूमिए देखिए मज़ा लीजिए, ताकि आपको लगे कि आप एक्चुअली वहीं खड़े हैं। तो ऐसे करके ये काम करता है, ये सबसे सस्ता ऑप्शन है, महंगे महंगे भी ऑप्शन आते हैं लेकिन ये सबसे सस्ता है, गूगल कार्डबोर्ड ऑप्शन रहा। अब बात करते हैं इसके अच्छे बात के बारे में। आप ये समझिए कि अगर ये कैमरा आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक रूम है जिस रूम में ये वीडियो बना रहा हूँ, इस रूम में मैंने 4-5 तो टेबल लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ काम करता हूँ, कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, अगर मैं बीच में एक 360 डिग्री कैमरा रख देता हूँ वो सारे का कैप्चर कर लेगा, मुझे बार बार कैमरा इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा, मुझे बार बार कैमरा मतलब अपने मतलब समझिए छाती पे माउंट करने का या सिर पे माउंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से हर जगह रहेगा, तो वो आप कुछ मिस कर जाएंगे हो नहीं सकता। जैसे कि आप खास कर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है आराम से आपने लगा दिया सामने या अपने सिर पे लगा लिया आराम से 360 के लिए, पीछे से कुछ हो गया किसी ने एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया वो तो कैप्चर हो ही गया, आप मिस नहीं करेंगे, वो 360 नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ कैप्चर हो रहा है, तो मिस करने का सवाल ही नहीं है। दूसरा फ्रेमिंग, अगर आप किसी भी सिनेमाटोग्राफर से पूछेगा कि भैया क्या किया जाता है सिनेमा में, आप कर क्या रहे हो, तो वो बोलेंगे हम लोग फ्रेमिंग कर रहे हैं, यानी कि आप लोग कई बार ये इस तरह देखते होंगे लोग करते हैं, ये इसी को हम लोग फ्रेमिंग कहते हैं कि आपको एज ए डायरेक्टर या सिनेमाटोग्राफर कहा जाएगा भैया देखो तुम्हारे पास ऑडियंस है जो थिएटर में आके बैठे हुए, उनको क्या देखना है, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, ये करना आर्ट है, ये कोई हलवा चीज़ नहीं है, और इसमें बहुत मेहनत करें। जैसे कि अगर मैं किसी को कैमरा दे दूँ जाओ फोटो खींचो, ठीक है खींचेगा कोई बड़ी बात नहीं, खींचेगा सब लोग खींचेंगे, लेकिन क्या फोटो खींचना है कैसे करना है, मतलब किसी का फोटो देखिए जिसका होराइजन जैसे मान लीजिए समुंदर है ऐसे रहेगा टेढ़ा अजीब सा लगेगा, कुछ लोग का देखेगा कि मतलब अगल बगल ध्यान नहीं किया फ्रेमिंग अच्छा नहीं, तो ये फ्रेमिंग करना बहुत फजीहत वाला काम होता है, और ये 360 उसको हटा देता है सब चीज़ दिख रहा है, तो फ्रेमिंग करने का टेंशन ही नहीं है। और अभी ये काफ़ी न्यू एंड हिप है, मतलब ये इतना हिप है कि ये कंपनी इंस्टा 360 बकायदा बहुत अच्छे अच्छे कैमरा बनाते हैं, और इनका ऐप मतलब जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया स्टिचिंग करना एक अलग सा स्टेप होता है वो काफ़ी पॉलिश है, मतलब अगर आपको एकदम रॉ क्वालिटी चाहिए तो भले दूसरे कैमरा दे देते, लेकिन इतना आसान मतलब आपने फुटेज लिया इस्तेमाल किया उसको ऐप में पब्लिश करना चाहते हैं तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। और इन्होंने अभी मतलब गोप्रो का नेक्स्ट जनरेशन टाइप बना रहे हैं जिसमें एक तो नॉर्मल गोप्रो मिलेगा आपको 360 भी मिलेगा और 1 इंच का लो लाइट वाला भी मिल जाएगा, तो ये अभी काफ़ी हिप है, और ये 2020 की बात कर रहा हूँ अभी CES में दिखाया गया है, तो काफ़ी अभी पॉपुलर है। और इसकी परस्पेक्टिव अगर आप किसी को 360 डिग्री व्यू दिखाएं भले कुछ नहीं हो भले आप अपने घर के छत पर बस खड़े रहें लोग तुरंत बोलेगा अरे भाई थोड़ा नया है, क्योंकि अभी ऐसा चीज़ नहीं है ये कि हर कोई देखा है,
और 3D जैसा जो होता है कि 3D बहुत लोगों को अंडरवेलमिंग लगता है क्योंकि 98% जगह पे ढंग से दिखाया नहीं जाता और 89% पिक्चर्स को ढंग से 3D में शूट ही नहीं करते हैं, चाहे वो एंड गेम भी चला कर एंड गेम में कर नहीं सकते, तो वो कैमरा इतना महंगा था कि 2 ठोस का लगाना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो उसको मतलब सॉफ्टवेयर का हुहा करके उसको करते हैं ट्रू और उसको कैलिब्रेशन नहीं किया जाता कभी अच्छा नहीं। मतलब अवतार में सब लोग बस कहते हैं कि वो एक था जो 3D अच्छे से बनाए, तो 3D मतलब जो लोग IMAX में पैसा देके बैठे उनको मतलब 3D का फील आया, उनको मिला पैसा, बाकी सबको तो आधा की जगह पे तो रहता है कि ये लेंस भी है, मतलब एक ही प्रोजेक्टर से 3D दिखाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए सिनेमा में, सिनेमा में ऐसा 2 प्रोजेक्टर चाहिए नहीं तो ब्राइटनेस लॉस के चलते देखिएगा नहीं, तो आप समझ लो 3D बहुत लोगों को लगता है कुछ खास तो हुआ नहीं बस सिर दर्द हो गया, लेकिन यहाँ पे कभी किसी का सिर दर्द नहीं होता है, मतलब आप 3D इस्तेमाल करें तो बात अलग है, लेकिन मतलब जनरली लोग को अच्छा लगता है कि हाँ अरे कुछ नया दिखेगा, अरे कुछ मतलब समझ एक तुरंत तुरंत जाएगा, खास से गूगल कार्डबोर्ड लेके आप तुरंत दिखा दें, माउस से ऐसे ऐसे करने में उतना फील नहीं आएगा, लेकिन अगर आप तुरंत किसी को कार्डबोर्ड दे रहे हो ऐसे ऐसे देखे नायगरा फॉल्स का आपको वीडियो मिल जाएगा, तो नायगरा फॉल्स में जैसे आप खड़े रहेंगे आपको लगेगा वो ऊपर नीचे दाएं बाएं आप सब कर सकते हैं, तो काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव है और इसमें डिसअपॉइंटमेंट का चांस बहुत कम होता है, तो अच्छे बात है तो बुरे बात भी होंगे। बुरा बात यह है कि ये कंटेंट डिलीवरी के लिए बहुत ख़राब सिस्टम है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई कंटेंट आपने बनाया उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कोई दूसरा नहीं देख रहा है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोग नहीं देखें, तो आप लोग को दिखाने के लिए मैं सीधे वीडियो को यूट्यूब में डालूंगा, यूट्यूब आपको दिखा देगा, तो आप बोलोगे 360 में भी ऐसा किया जा सकता है, नहीं क्योंकि 360 में ठीक है वीडियो आपके पास तक तो पहुंच गया आपके मोबाइल में पहुंच गया, लेकिन सबके पास गूगल कार्डबोर्ड होगा नहीं ना, और सब लोग चाहेंगे भी नहीं कि हम ऐसा लगा के ऐसे वीडियो देखें किसी के पास फुर्सत, जैसे मान लिया बस में देख रहे हो बस में थोड़ा आपको फुर्सत मिलेगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए किया गया कि मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली उसको VR मोड में चलाने लगेगा और आप मोबाइल ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, तो ठीक है एक दो बार अच्छा लगता है वो फनी है यूनिक है, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, तो समझ लीजिए आम लोग जो हैं आम आदमी की ज़िंदगी में इतना फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के हर बार VR क्लास लगा के देख रहे आपका वीडियो, तो कंटेंट डिलीवरी के लिए अच्छा है, अब जैसे ये न्यूज़ अगर कोई ऐसे दिखाने लगे कि न्यूज़ हो रहा है तो आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, भाई मेरे को बस बताओ मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट है यहाँ पे कैमरा मैन यहाँ खड़ा है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अब मैं कैमरा मैन के पीछे देख के करूँगा क्या, इसीलिए ये मतलब कंटेंट मतलब मैं यहाँ से आपको उठा के वहाँ ले जा रहा हूँ ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि नेचुरल पार्क्स के लिए वाटरफॉल्स के लिए ये सब के लिए ठीक है एक यूनिक पर्सपेक्टिव, बाकी के लिए कुछ खास नहीं है, तो कंटेंट डिलीवरी के लिए होता है। दूसरी बात ये जो लोगों को तुरंत समझ में आने लगा इसीलिए मैंने बताया 3-4 साल से इसका हाइप चल रहा है लेकिन वो उस तरह का पकड़ नहीं रहा है, वो इसलिए कि इससे आर्ट खत्म हो जाता है, जैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ तुम क्या वीडियो बनाते हो, तो जो भी लोग वीडियोग्राफी में काम करते हैं जैसे अगर आपको बोलेंगे आप बोलेंगे हाँ एक बंदा रहता है उसका TV रहता है वो साइड में खड़ा रहता है, ये मेरा आप समझिए फॉर्मेट है, मैं फ्रेमिंग ऐसे कर रहा हूँ आपको तुरंत पता है, कुछ लोग जो कैमरा के एकदम सेंटर में रहेंगे, कुछ लोग का रहेगा थोड़ा सा नीचे रहेंगे, कुछ लोग का रहेगा थोड़ा सा ऊपर रहेंगे, कुछ लोग एकदम ऐसे ऐसे रहेंगे, मतलब आपको हर ये हो रहा है एकदम सिंपल बता रहा हूँ, और वहीं आप न्यूज़ वाले में देखते होंगे थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से रहते हैं पता चल जाता है, थोड़ा कोई मेहनत किया है कोई टाइम डाला भले आपको अच्छा लगे भले आपको अच्छा ना लगे लेकिन आपको पता है किसी ने मेहनत किया है, 360 में वो मेहनत खत्म हो जाता है कि भैया बस रख दो ना सामने से बस खड़ा करके रख दो थे काम खत्म, तो वो फील खत्म हो जाने से वो लेजी लगने लगता है, और एक बार जब वो गिमिक वाला फेज हट जाता है कि ठीक है वो गिमिक है समझ में आ गया कैसे काम करता है, उसके बाद जब आप देखें मैं देखूँ तो क्या देखूँ, जैसे मान लिया किसी को साइकिल चला मतलब GoPro आपने लगाया सामने यहाँ सर पे आराम से साइकिल चला रहे हैं आगे चल रहा है पहाड़ी पे आप उतार रहे हैं एकदम मिजाजी टाइप ठीक है, अब समझ में कि मुझे क्या देखना है कितना बड़ा, अब 360 कर देते हैं तब ये हो जाता है कि मैं देखूँ तो क्या देखूँ, मतलब ठीक है अच्छा एक पक्षी जा रहा है तो अच्छा अरे गड्ढा कूद गया, मतलब क्योंकि हमारा इंसानी आँख एक 180 डिग्री भी पूरा नहीं देखता, हम लोग का मतलब समझिए कोन है जो इतना देखते हैं ये कोन बस स्पीड से शिफ्ट होता रहता है जो आपका आँख जो काला ऐसे शिफ्ट होता रहता है, तो सब ज़्यादा बड़ा एरिया हम लोग घोड़े थोड़े हैं जो 170 डिग्री का व्यू लेके 170 नहीं मतलब 270 का व्यू लेके चल रहे हैं, तो हम लोग उस तरह को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते मिस कर देते हैं डेटा, और ये वैसे ही हो गया समझिए आप डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ा रहे हो कि सिनेमा को मैंने आपको बताया ना यहाँ देखो यहाँ ना देखो ये करना जरूरी था, जैसे फोटोग्राफर भी करता है फोकस यहाँ पे करता है ये एरिया को ब्लर कर देता है, वही चाहिए आपको तभी लोग आपके वर्क को आर्ट कहेंगे, नहीं तो ये बस कैमरा रख दिया काम खत्म, क्योंकि वो फील ही खत्म हो जाता है, तो ऐप्स कोशिश कर रहे हैं इसको सुलझाने का, क्योंकि मैंने बताया कि Insta360 का ऐप बहुत अच्छा है तो वो क्या कर रहे हैं तो रीफ्रेमिंग कर रहे हैं, 360 वीडियो कंटेंट के लिए है नहीं तो लोग शूट कर रहे हैं अभी भी बहुत लोग शूट कर रहे हैं, बस उसको बैठ के ऐप में ये कर देते हैं भैया इसको मतलब नॉर्मल वीडियो में बदलाओ और जूम कर देते हैं ताकि वो फिश आई वाला इफेक्ट नहीं आए, और फिर वो इधर उधर घुमा घुमा के दिखाते हैं कि ये जगह इंपॉर्टेंट हुआ था, तो कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा है कुछ हुआ रिकॉर्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है लेकिन डिलीवरी के लिए अच्छा नहीं है,
क्योंकि वो आर्ट हटा देता है। और अब आते हैं फिजिक्स का बात पे। फिजिक्स पे ये है कि इसकी क्वालिटी हमेशा कम होगी, क्योंकि मान लीजिए आप जैसे अभी 360 कैमरा देख रहे हैं, सब में आएगा 5.6K, 7K, 8K, तो आप बोलेंगे इतना हाई रेजोल्यूशन नहीं तो बम क्वालिटी होना चाहिए। नहीं, एकदम हल्का फुल्का क्वालिटी आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए, अगर मैं आपको 8K का सेंसर दे देता हूँ कि देखो ये है मेरा सेंसर, ये 8K का है, इस पर लेंस से प्रोजेक्ट करो, अब अगर ये सामने ही देखता है, मतलब एकदम सीधा टेलीफोटो लेंस है, ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, आपको एकदम बम बम डिटेल आएगा, एक एक चीज़ पता चल जाए। लेकिन वही बोल रहे इसको पूरा 360 कैप्चर करो, मतलब पर पिक्सल के पास कितना चीज़ कैप्चर करना पड़ रहा है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए हमेशा सुनने में आपको लगेगा कि 4K है, लेकिन 4K का कहा जाता है जनरली, मतलब लगेगा कि थोड़ा पुराना फुल HD वीडियो आ रहा है, पुराना, मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि है बम बम फुल HD। और बोलोगे मान लीजिए भविष्य में क्वालिटी अच्छी हो गई, तो प्रॉब्लम यह है कि जो भी कंपनी, जैसे मान लीजिए GoPro ही है, GoPro दोनों बनाती है, नॉर्मल कैमरा भी बनाती है और 360 भी बनाती है। मान लीजिए उनकी 360 वाली कंपनी समझे, सर ये एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके सर हम लोग ज़्यादा वीडियो प्रोसेस कर सकते हैं बिना प्रोसेसर को ओवरहीट के, अब हम लोग 8K या 9K मान लीजिए चला लेते हैं एडिट, तो आप वो तुरंत तुरंत उठा के 9K वो उसमें डाल देगा GoPro में नॉर्मल, क्योंकि अगर वो 360 में कर सकता है तो नॉर्मल में कर ही सकता है। तो हमेशा आपका नॉर्मल जो परस्पेक्टिव है वो हमेशा रेजोल्यूशन में आगे चलेगा। आज नहीं, वो ऐसा नहीं है कि मतलब कल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो हमेशा एक गैप बना रहेगा। कि जैसे मान लीजिए आपने रेड कैमरा लिया, वो 8K का है और वो एकदम बढ़िया दिखा रहा है, यहाँ देखो ये जगह पे आपको एकदम बम डिटेल दिखा रहा है, वहीं जो 360 है वो 8K को इतना खींच दिया है कि फुल HD ही लग रहा है, वो भी ठीक से नहीं लगेगा। तो ये फिजिक्स का है। तो मान लीजिए आपको 16 आ जाए तो 16 का सामने वाला वीडियो हमेशा अच्छा होगा। तो ये क्वालिटी के कारण, इसीलिए आपको ये सब पिक्चर में उतना यूज़ नहीं होता है वो दिखेगा। और पिक्चर में भी जो आपको मैंने बताया कि जो लोग करते हैं वो एक्चुअली आप देखें होंगे खूब सारे GoPro लगाए जाते हैं ताकि हर लेंस को बस तुम बस यहीं फोकस करो। हाँ, साइड इफेक्ट होता है इसका, फाइल साइज तो मतलब टेराबाइट में आता है, मतलब कुछ कुछ टेराबाइट्स में एक दो मिनट के सीन रखते हैं, तब जाके उसको फिर स्टिचिंग करने का तो छोड़ दीजिए, बिना सर्वर के स्टिचिंग करना मुश्किल हो जाता है। और किए गए कई बार हेलीकॉप्टर के नीचे लगा के बढ़िया 360 का कैप्चर किया गया काफ़ी सारे चीज़ों के लिए, लेकिन समझे बहुत महंगा पड़ता है। तो इसी मतलब कि नॉर्मल जो 360 आजकल आपको मिल जा रहा है, आप सोच रहे हैं हम कैमरा ले लिए एकदम जारी 360 में, वो ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए। काफ़ी लोगों को बाद में झटका लगता है कि मतलब ले तो लिए, मतलब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ GoPro से बेटर है, क्योंकि आप सिर के ऊपर लगाए सब हुआ, आप ऐप में ले जाके पूरा रिकम्पोजिशन किए, फ्रेमिंग वेमिंग किए, रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग मोबाइल पर ही देखते ज़्यादा टाइम, ठीक है काम हो जाएगा। लेकिन वहीं आप सिनेमा थिएटर में दिखाएंगे लोग तुरंत बोले क्या रे भोजपुरी है क्या, मतलब समझ लीजिए कि तुरंत ये फिजिक्स का है कि मतलब आप एक सेंसर को क्या 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 बोलेंगे, सब चीज़ देखने बोल दीजिए और नहीं कर सकता। तो पहला तो ये हो गया कि डिलीवरी के लिए अच्छा है नहीं है, फिर हो गया कि वो आपका आपका सिग्नेचर ही खत्म हो जा रहा है, बस एक डंडा लेके आप खड़े हो कहीं पे, फिर क्वालिटी हमेशा कम आएगी, इसीलिए ये सब उतना कैप्चर नहीं किया। कि मतलब समझिए यूट्यूब कब का दे चुका है 360 डिग्री मतलब वीडियो, लेकिन अभी तक वो उतना हाइप नहीं है इसी कारण से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन 360 डिग्री वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद होता है। और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।